स्टूडेंट, मैं भी ये सुबह था विजुअल फिट कंपेटिशन के ऑनलाइन क्लासेस पे वापस स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, फिर आज हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं, अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अकाउंट्स में पिछले जो पढ़ते आ रहे हैं, जो शुरू से मैंने आपको अभी अकाउंट्स के बारे में समझाया कि अकाउंट्स एक कंप्लीट अकाउंटेंसी किसी कंपनी का मेंटेन करने के लिए हमें किस किस प्राइमरी अकाउंट्स की ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको कॉमर्स के समझाया था, कॉमर्स के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट टॉपिक का मैंने चार कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट के बारे में समझाया गया था। उनके बाद मैं आपको समझाया था कि भी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या अंतर होता है और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क, दोनों फर्क आपने देखा। उनके बाद मैंने ये बताया था कि एक अकाउंटेंसी को स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ जाके अकाउंटेंसी आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने देखा मैनुअल अकाउंट्स के बारे में। आज हम ये बात करेंगे अगले टॉपिक जो मैंने लास्ट पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, कि अकाउंट्स को काम करने से पहले, अकाउंट्स को हमें जानने से पहले, अकाउंट जानने के लिए उस अकाउंट्स के अगले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस टैली के बारे में भी जानेंगे कि टैली में क्या काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टैली के हेड्स को बांध के आ रहे थे, टैली में आज हम एंट्री करना सीखेंगे, यानी टैली का कंपनी में एक नई कंपनी बना टैली में कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आजकल मैं ज्यादातर देखा हूँ कोई बच्चे यहाँ पे सिस्टम में बैठ के काम करते हैं टैली पे, फटाफट किसी भी नाम से वो रोज दर रोज एक कंपनी बना देते हैं और कंपनी में नाम पता, एड्रेस, बस सिंपल नाम टाइप करके सेव करा देते हैं। लेकिन ऐसा आपको स्टूडेंट नहीं करना है। टैली में कंपनी बनाने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है? तो आज देखिए टैली में सही तरीका क्या है कंपनी बनाने का। यानी अगर आप कंप्लीट जीएसटी मेंटेन करते हैं, एक कंप्लीट किसी प्रोपराइटर पार्टनरशिप फॉर्म में काम करते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें कंपनी बनाते समय बहुत बारीकी चीजों को आपको ध्यान देना है, अन्यथा बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए कंपनी बनाते समय कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं हम लोग टैली में कंपनी कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है। स्टूडेंट, आपके सामने टैली पहले खुला हुआ है और टैली में कंपनी बनाते समय हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले भी कंपनी बनाने के बाद, एक अगर प्रॉपर आप कहीं से प्रॉपर कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले शॉर्टकट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए। तो शॉर्टकट बेस्ड टैली पे कंपनी बनाने का शॉर्टकट की आपको पता ही है, अल्ट्रा के साथ F3 दबाएंगे, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा, कंपनी इन्फो, शॉर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, चेंज कंपनी, स्प्लिट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, ये बैकअप का ऑप्शन आएगा। तो हमें एक नई कंपनी बनानी है, तो नई कंपनी पर आप गए, यहाँ पे क्रिएट किए कंपनी, क्रिएट पे जैसे इंटर करेंगे ये प्रोफार्मा आएगा। तो एक एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा ही लिखा हुआ है, ये डायरेक्टरी यानी ये लोकेशन बताता है कि टैली में जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कंपनी का जिस भी नाम से क्रिएट कर रहे हैं, वो कंपनी टैली में कहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन बदल सकते हैं, जो फिलहाल अभी हम आपको लोकेशन के बारे में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे बाय लोकेशन, जो डिफॉल्ट यानी अपने आप जो लोकेशन बनता है उसी पर बनाएंगे हम लोग इंटर। मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन, ये कंपनी का नाम हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ मेलिंग नेम, यानी मेलिंग का मतलब शॉर्ट फॉर्म कंपनी डाल सकते हैं, जैसे दे लिया मैंने विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन, ये डाल दिया आपने शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस डालिएगा, जैसे मैंने दे दिया CK 65/204 बड़ी पियरी चेत गंज वाराणसी, ये आप लोकेशन डाल दिए। कहाँ पे है, नियर शीतला मंदिर, शीतला मंदिर, ये आप इसलिए डाल रहे हैं जिससे आपकी कंपनी के बारे में कोई प्रोफेशन लोकेशन जानना चाहता है, जिससे आप कंपनी में आपको कोई विजिट करना चाहता है तो आसानी से आपके पास पहुंच सके। इंटर किस किस मतलब टैली हर कई कंट्रियों में चलती है, तो हम अपनी कंपनी इंडिया पे अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंटर करना, ठीक है? इंडिया में किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश, यू दबाएंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश यहाँ पे आएगा, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? नीचे आप पोस्टल ये इंडिया पिन कोड नंबर है, तो पिन कोड नंबर जो आपके स्टेट का डाल सकते हैं, मान लीजिए वाराणसी डाल दिया 22101, ये पिन कोड नंबर डाल दिया। इंटर आपकी कंपनी का नाम, मान लीजिए हमारा मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर एक ही, तो मान लीजिए 9335222916 ये हमारे फ़ोन नंबर हो गया। सेम हमारे कंपनी का नाम है तो छोड़ दीजिए, ये फैक्स नंबर होता है जो मोबाइल नंबर की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है? आपकी कंपनी का कोई ईमेल आईडी है, मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी है विजुअल इफेक्ट एट द रेट
9916, ये हमारे कंपनी का ईमेल आईडी है। एंड अगर आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो आप डाल सकते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया www.visualeffect.com, ये हमारे कंपनी का वेबसाइट हो गया। इंटर इंटर करिएगा, यहाँ पर दिया हुआ फाइनेंशियल ईयर, इसको ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल में कंपनी का हम चाहे जैसे अप्रैल से स्टार्ट कर रहे, मई से कर रहे, जून से, तो हमारा प्राइमरी डेट अप्रैल ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1/4/2020 ईयर शायद जुड़ जाएगा। बुक बिगनिंग डेट, बुक बिगनिंग डेट का मतलब बिलिंग किस दिन से करना चाहे। सपोज कीजिए कि आज हम जुलाई से बिजनेस स्टार्ट करें, जुलाई का डेट डाल दिया, मई से करना चाहे तो मई का डेट डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेट और बिगनिंग डेट सेम रखिएगा, उसमें चेंजिंग मत कीजिएगा। करेंट डेट जब भी होगा तब चेंज करेगा, लेकिन फाइनेंशियल और बिगनिंग डेट सेम रखा जाता है, क्योंकि अगर हम भविष्य में जो भी काम करेंगे अप्रैल यानी फाइनेंशियल डेट की अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। इंटर, अभी हम कोई पासवर्ड नहीं बताएंगे, पासवर्ड यानी अपने अगर कंपनी का कोई प्रोडक्शन लाना चाहते हैं, जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं कंपनी में, पासवर्ड कैसे देता है तो आगे बताएंगे कैसे पासवर्ड इसमें दिया जाता है। सिक्योरिटी कोड, अपने कंपनी के अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी कोड के यानी पासवर्ड द्वारा लॉक कर सकते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी बनाते समय एक सिंपल ये सारी चीज़ प्रोफार्मा को जरूर भरिएगा, जिससे क्योंकि आप जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं, तो जीएसटी मेंटेन करते समय बिना आपके एड्रेस का, लोकेशन का जीएसटी पे डेटा अपडेट नहीं हो पाता, इसीलिए कंपनी बनाते समय पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन डालिए। बाकी जब क्योंकि जब जीएसटी अपलोड करेंगे तो सारा चीज़ को यहाँ से वो लिंक बना, लिंक को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो ये था कंपनी बनाने का, कंपनी कैसे टैली बनाया जाता है, बना के यहाँ पे सेव कर लीजिए, इंटर करते जाइए। नीचे वाला प्रोफार्मा आपके कोई मतलब का नहीं है, उसको कुछ भी चीज़ का एंटर करके एंड सेव कर लीजिए। सेव जैसे करेंगे आपके नाम ये एक्सेप्ट कंपनी रख लेगा, ये एक्सेप्ट हो गया और स्क्रीन पर यहाँ पर नाम लिखा जाएगा विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिजाइन। इसके बाद अपने कंपनी में आगे जो भी इसमें अकाउंट्स करना उसमें अकाउंट्स का काम चालू कर सकते थे। तो यही था कंपनी बनाने का सबसे इजी और सरल तरीका। देखा आपने टैली में कंपनी बनाते इसमें हमें किस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो अगर समझ में आया है तो उसको अपने मित्रों या दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कोई भी वीडियो समय से पहले मिले। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपके अकाउंट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही ज्यादा आपको काम आने वाली है। धन्यवाद।